तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम खेलने वाले हैं क्रैश। जहां से स्टॉप की थी आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि आगे कैसी कैसी गेम्स खेलने को मिलती है हमें। लगता है कि यहाँ पर फिर से हमारा पीछा एक पत्थर करने वाला है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा। देखा, बिल्कुल वो सेट किया, उन लोगों ने सेट किया हुआ है। जैसे ही हम आगे आएंगे हमारे पीछे लग गया वो। अब हमें यहाँ से ध्यान से खेलना है। हमारी कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी चेक पॉइंट तक पहुँचे हम लोग। चलो, हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट आ चुका है। अच्छा, मैं उसे ना तोड़ने की कोशिश करता पर वो टूटता टूटेगा नहीं इतनी आसानी से। ऊपर एक और पत्थर सेट हुआ हुआ है और हमारे पीछे लग चुका है। अच्छा, इतना गोल पत्थर मैंने आज तक नहीं देखा, जो इतना जैसे कोई हार्ड बॉल भागी आ रही है हमारे पास, हमारे साथ साथ। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अगर मैं यहाँ से नीचे गया तो फिर से मुझे यहाँ इतना हिस्सा फिर से पार करना पड़ेगा। तो एक और थैंक, एक और आ गया है मेरे पास चेक पॉइंट। ओहो, मैंने ये इसका चांस नहीं पकड़ा। एक और पत्थर। अच्छा, इन्होंने रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा रुकावटें कभी काफ़ी खड़ी की हुई हैं और हमें उनसे बच कर खेलना है। ओए होए, यहाँ से अगर मैं ज़रा भी मेरा बैलेंस ख़राब हुआ ना तो मैं सीधा नीचे। ऊपर से मज़े की बात है कि जिस पर हमें जंप करना है ना वो भी मूव कर रहा है, जिसकी वजह से और मुश्किलें हो रही हैं। आखिर हमने ये गेम पार कर ली है। तो मुझे पता है कि मैंने इसमें काफ़ी बॉक्सेस को छोड़ दिया होगा। कोई नहीं कोई नहीं, खैर गेम पार होगी, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अभी तक हम वंपा आइलैंड के अंदर ही फिर रहे हैं। सनसेट विस्टा, सनसेट विस्टा। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा हमारे साथ। ये फिर से वही, हम जंगल में पहुंच चुके हैं जो हमने लास्ट एक गेम खेली थी ना, जिसमें वो लिजर्ड भी थी फ्रॉग टाइप। अरे, मैं जंप करने लगा था लेकिन उसमें से मुझे पता था इसमें से आग निकलेगी, मैं जंप करने लगा था। अगर मैं करता था तो ओए, यहाँ पे मैं भूल गया था कि ये सी जो है ये नीचे हो जाती हैं। हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से खेलना है। दो जी बैट्स आ गई, इनको तो कोई और काम ही नहीं है भाई। ओए, यहाँ पे कोई बॉक्स था इसलिए मैं कहता हूँ चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। हमें एक मकोटा मिल चुका है जो कि हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है। ये फ्रॉग टाइप लिजर्ड आ गई है। चल भाई, तू तो निकलना। फिर बैट्स, इसको मैं मार के जाऊंगा। चलो, एक तीस से दो छक्का, चेक पॉइंट। आपको टेंशन नहीं है, यहीं से हमें आगे स्टार्ट होगी हमारी गेम, अगर हम गिरते भी हैं तो। मैजिक लिप्स, ऐसे ये पत्थर मूव कर रहे हैं जैसे इसमें कोई मैजिक किया होगा किसी ने, मतलब कोई स्पोर्ट नहीं है। कितना इन्होंने हार्ड वर्क किया हुआ इस गेम के ऊपर, कितना मैकेनिज्म है इसके ऊपर, यानी कि वो कैसे जो हैं वो पत्थर दीवारों से बाहर आ रहे हैं।
सर बैट्स का वेट कर लें, इनको जाने देते थे, अब हम जंप करेंगे इसके ऊपर। अच्छा भाई तू तो निकल। असल में ना इनका हमें चेक करना पड़ता है साथ साथ कि इनके पत्थरों की मूवमेंट क्या है, ताकि उनको देखते ही आगे हम लोग भी मूव करें। अभी नहीं, अब हम जाएंगे जल्दी। चलो चेक पॉइंट आ चुका है। ओह हाँ, अच्छा मुझे नहीं पता कि पत्थर जो है ये वापस हो जाएगा अंदर। जंप, यानी कि अगर हमने ज़रा भी इसके ऊपर वेट किया तो हम सीधा नीचे गिरेंगे। यहाँ थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि अभी उसको चेक पॉइंट नहीं आया हमारे पास। ठीक है, और इस तरह हम आगे ऊपर। मैं चेक कर रहा था कि अंदर के और के बॉक्स है तो उसको भी हम दोबारा चेक कर लें, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे थे वहाँ से। अब यहाँ पर हमें ध्यान से खेलना है, क्योंकि ये वही वाली अजीब गोल की सीढ़ियाँ हैं जिस पर जंप करें तो ये नीचे की तरफ गिराती हैं आपको। चलो आप जाके चेक पॉइंट आया। अच्छा बारी बारी साड़ी जो है ना, जो ये पत्थर हैं वापस गिराते हैं, हमें धोखा देते हैं, ताकि जैसे ही ऊपर दो मिनट भी अगर हम एक सेकंड ऊपर खड़े रहे ना तो हम सीधा नीचे गिरेंगे। अच्छा ये बैट ऐसी है, अभी सो रही है, जैसी बाकी बैट आती है तो डांस करने पड़ती है। देखो ज़रा, मुझे लगता है कि हमारी भी जस्ट हमारी गेम ही पार होने वाली है। अच्छा पत्थरों के ऊपर इन्होंने लगता है कि जैसे कि मुजस्मे से बनाए हुए हैं, जो जो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं अजीब सी शक्लों के। हाँ सच, ये कबीला है ना, हम एक आइलैंड के अंदर हैं जहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो सरदार जो राज कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अजीब व करीब सी मखलूक छोड़ी हुई है, लिजर्ड टाइप, जो कि हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। खैर हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मारने वाले। इसको तो पहले बैग को तो मैं भगाऊंगा यहाँ से। चलो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टाइमिंग की गलती कर दी। मुझे भी इन्होंने अभी नहीं मतलब कि चारों एक साथ बाहर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और गलती कर दी कि मैंने इस बॉक्स पे चढ़ने के बाद उसको पकड़ना था। अब मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं चढ़ पा रहा। नहीं खैर, हम ये बॉक्स छोड़ते हैं इसको, आगे निकलते हैं। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि कैसे भागना है। ठीक है, मैं आगे बगीचा भागता रहता हूँ। चलो अब ये चारों एक साथ बाहर आ रहे हैं, तीनों एक साथ बाहर आ रहे हैं, तो हम निकलते हैं यहाँ पर। चलो जी, कोटा मिल गया, चेक पॉइंट आ चुका है। आपको टेंशन नहीं है क्योंकि जितना हम खेल चुके हैं अब उसका मैं डर नहीं है। चलो मैं अब यहाँ पे मैं जाने का चांस नहीं लूँगा, बस जल्दी जल्दी गेम पार करते हैं।
तो मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों के बाद इसका जो है वो वॉक थ्रू डाल रहा हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने ये गेम नहीं खेली थी। इससे पहले के सारे ब्लास्ट हों यहाँ से निकलते हैं हम लोग। चलो हमें मज़ीद ऊपर जाना है। अब यहाँ से अगर मैं सीधा गिरा तो हो सकता है कि मैं सीधा आग पे गिरूँ, आग के ऊपर, और हो सकता है कि मर जाऊँ। कोशिश यही होगी कि हम लोग सेफली खेलें इस गेम को। मुझे बहुत ध्यान से यहाँ पर जंप करना है। ओ बच गया बच गया बच गया बच गया। अब मुझे और भी ध्यान से खेलना है। अभी नहीं, अब मैं जंप करूंगा इसके ऊपर। चलो अगर मैं जल्दबाजी की तो मैं फिर, चलो चेक पॉइंट तो आ गया। अगर मैं जल्दबाजी करता ना तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। आजा आजा। चलो तो हमारी ये वाली गेम भी पार हो चुकी है। तो अब आने वाला है कबीले का सरदार, तो देखते हैं कि उसका उसके साथ मेरी फाइट कैसी होती है। बहुत बॉक्सेस को छोड़ा है मैंने, 31 बॉक्सेस को मैंने नहीं पिक करवाया, उनको मैं पिक नहीं कर पाया था 31 बॉक्सेस को। मुझे लग रहा है कि कबीले का सरदार आ गया क्योंकि उसके पीछे जो है वो उसकी मूर्ति बनी हुई है। अच्छा तू मुझे पत्थर मारेगा उठा के, तू मार ले पत्थर, मुझे पत्थर मार ले। अच्छा तीन पत्थर से आराम से उठा के मारे और एक भारी से पत्थर लेकर उसे फेंकने जा रहा। ओ यानी कि मुझे जो वो भारी वाला पत्थर होगा ना वो उसको मारना है। ओके 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 ओके। अब ये पत्थर लेके आ रहा है, उसे उठाया नहीं जा रहा, ये है इसको मैंने मारना है। चलो मुझे अपनी बॉडी दिखाता है। TNT बॉम्ब ऊपर से गिरी जा रहे हैं। ओहो ये मेरा पत्थर ज़ाया हो गया क्योंकि बीच में वो छोटे छोटे से जो रेलगाड़ियाँ आ रही हैं जो कि पत्थर लेकर जा रही हैं, बोगियाँ छोटी छोटी सी बोगियाँ। अच्छा अब मैं इसको ध्यान से पत्थर मारूंगा, जैसे हम शैतान को पत्थर नहीं मारते, ये मैं इसको वही काम कर रहा हूँ। मार ले पत्थर, ये ले। मार ले। चलो भाई अब इसको जस्ट लास्ट लगनी है और इसका खेल ख़त्म। चलो ये क्या हुआ, गुस्से में आ गया। अच्छा, मुझे बाय बाय कर रहा है, बाय बाय। वोम्पा आइलैंड, अब हम पहुंच चुके हैं हैवी मशीनरी के अंदर जहां पे इन्होंने अपनी मिल्स लगाई हुई हैं। तो देखते हैं कि इस हैवी मशीनरी में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है हैवी मशीनरी।
अच्छा पिछली गेम में जो थे ना, जो पिछले आइलैंड में टर्टल्स थे, अब इसमें टर्टल के शेप में मशीन है, इन्होंने बोट छोड़े हुए हैं, रोबोट रोबोट छोड़े इन्होंने जो टर्टल के शेप में बनाए हैं इन्होंने। अच्छा फैक्ट्री का जो सारा जो है वो केमिकल वो यहाँ से पाइपों से आ रहा है। अच्छा इसमें कुछ हॉट पाइप्स हैं, अगर मैं पे चला तो मुझे मार देंगे, और कुछ जो हैं वो कोल्ड हैं ये वाला। अच्छा अच्छा लड़के मुझे इनसे बच्चे खेलना है। अच्छा मज़े की बात है कि इन रोबोट्स की आंखें बनाई हैं। चलो भाई ये आंखें नहीं, ये असल में इनके अंदर कैमरे लगाए हैं लोगों ने, और जो इस हैवी मशीनरी को संभाल रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है, वो इन कैमरे से हमें देख रहा है। अच्छा हैवी मशीनरी वाला एरिया हो, वहाँ पर लिफ्ट है ना, हो ऐसा हो नहीं सकता, देखे ना अब लिफ्ट भी लगी हुई है। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है खेलते हुए, क्योंकि अभी तक हमारा कोई चेक पॉइंट नहीं आया, तो अगर मैं यहाँ पे गिरता हूँ तो सीधा नीचे, या सीधा मुझे स्टार्टिंग से खेलना पड़ेगा ये सारा हिस्सा। अभी तक हमारा चेक पॉइंट नहीं आया, और आखिरकार चेक पॉइंट हमारा आ चुका है इस गेम का। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जितना हम खेल जा चुके ना, अब वो दोबारा नहीं आएगा। कैसी चीज़ें लोगों ने बनाई हुई हैं। अच्छा अब इसमें तो जो है वो गर्म भाप निकल रही है, अगर मैं इस पर ज़रा भी आया तो ये भाप वैसे ही मेरा खेल खत्म कर देगी, तो मुझे इस भाप से बच के खेलना है। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है जिनको ज़ुकाम है। चलो अब हमारा बोनस स्टेज हम खेलने वाले हैं, बोनस स्टेज। ओहो मुझसे अब एक बॉक्स जो है वो रह के, चलो खैर नहीं खैर है उसकी, हम अब अपनी बस बोनस स्टेज खेलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलो तो बोनस स्टेज हमारी हो चुकी है क्लियर, गाइस जस्ट अ मिनट में अभी आया। आ चुका हूँ वापस, मैं जस्ट पानी लेने गया था, तो अब देखते हैं कि क्या हम ये गेम पार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओके चेक पॉइंट हमारा आ चुका है। अच्छा कैसा इन्होंने बनाया हुआ है, हैवी मशीनरी। अब देखें इस मशीनरी की वायर्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर से परे में, आखिर यहाँ पे काम हो क्या रहा है। इनकी तो बैटरीज हो गई डाउन, अच्छा बड़ा अजीबो गरीब सा एरिया है जिसमें हम लोग इस वक्त घूम रहे हैं।
मुझे लगता है कि बस ये वाली हमारी गेम भी क्लियर होने वाली है। ओके यहाँ पे बार बार बचाऊँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टकराया था ना शायद ये मेरा अपना कोटा ख़त्म हो जाता। यहाँ तीन करने थे लेकिन सर दो ही हुए हैं। हाँ दो ही हुए, एक हमारा कहीं 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 रह गया हमारा। कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि हमारी जस्ट गेम पार होने वाली है, क्योंकि अब इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं आ रही हैं, जस्ट इजी हम लोग खेल रहे हैं। ओ तीन तीन जो है वो क्रैश के बॉक्सेस हैं, ये चांस है हमारे, क्योंकि मैं मिस नहीं करूँगा। तो हमारी गेम हो चुकी है क्लियर, तो कमेंट करेगा, लाइक लाजमी करेगा और आगे शेयर भी करेगा।